So hello everyone, once again welcome back to this lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 16 of fluid mechanics, and in this lecture we are going to study the variation of viscosity with temperature. So dosto, iske pehle hum logon ne kuch properties padhi thi pichle lectures mein. To viscosity ka jo humne topic padhaya tha usme kuch topic reh gaya tha. Jaise ek aapka topic poochta hai ki temperature ke hisab se kya variation ho sakta hai viscosity ka, theek hai? To जैसे अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करते हैं, अब इन जनरल अगर आप देखो तो अगर आप कोई भी फ्लूइड की बात करो तो अगर उसको आप हीट देते हो, यानी अगर उसको हम टेम्परेचर देते हैं, बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर के हिसाब से उसमें क्या वेरिएशन होता है. इन जनरल अगर आप ऐसे देखते हो तो जैसे मान लो बटर है, ठीक है, या कोई भी आप कह सकते हो जैसे मान लो कोई लिक्विड है वो एक सॉलिड फेज में मतलब जमा हुआ है, ठीक है, जस्ट लाइक बटर हो गया, घी हो गया, ठीक है. तो इन सब का क्या है, जैसे ही आप हीट देते हो तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि उसमें फ्लोइंग टेंडेंसी बढ़ जाती है. मतलब कहने का ये हुआ कि टेम्परेचर के हिसाब से उसकी विस्कोसिटी घट रही है. जैसे देखो अगर आप कोई भी थिक लिक्विड है उसको आप, जैसे आप बिटुमिन है, बिटुमिन को आप हीट करते हो तो वो क्या होता है कि एक तरीके से लिक्विफाई हो जाता है, उसकी फ्लोइंग टेंडेंसी और बढ़ जाती है, ठीक है. उस तरीके से अगर हम गैस की बात करते हैं तो अगर हम किसी गैस के ऊपर इसे अप्लाई करते हैं तो वहां हमें ये देखने को मिलता है कि उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है. इन जनरल अगर हम लिखते हैं ऐसे इसको, तो अगर यहाँ पे हम लिखें इसको, इन लिक्विड आप देखोगे यहाँ पे लिख सकते हो viscosity decreases with increase in temperature. ठीक, लिक्विड में क्या है कि जैसे जैसे विस्कोसिटी मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपकी विस्कोसिटी घटती है. अभी मैं बताता हूं क्यों ऐसा होता है, ठीक है. पहले पॉइंट लिख लेते हैं यहां पे, इन गैसेस विस्कोसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. गैस में क्या होता है कि विस्कोसिटी बढ़ जाती है. मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर इस रूम में हम कोई आग जला दें तो इस रूम का जो डेंसिटी होगा एयर का वो काफ़ी बढ़ जाता है. कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी गैस के ऊपर कोई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो उससे उनकी डेंसिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है. अब ये होता क्यों है, तो देखो जो आपका विस्कोसिटी होता है, ठीक है, विस्कोसिटी दो चीज पे डिपेंड करता है. फर्स्ट वन आपका कोहेसिव फोर्स और दूसरा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर. मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, तो देखो पहला तो आप सभी को पता होगा कोहेसिव फोर्स मतलब क्या हुआ कि जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग लग रही है, जो उनका इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगा उसी को हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है और इसको हमने ऐसे ज्वाइन करा दिया है, ठीक है. तीसरा मॉलिक्यूल मान लेते हैं यहाँ पे है तो इसको हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो इनका बॉन्ड होगा ये एक करेक्ट हो कि सबके सब सेम मॉलिक्यूल्स हैं आपके, ठीक है. तो जो एक ही मतलब एक तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में मतलब एक ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, बॉन्ड होगा, वो आपका कहलाएगा यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग है ये आपकी कहलाएगी कोहेसिव बॉन्डिंग, ठीक है. या इसकी वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा होगा मतलब ये
जिस फोर्स से इनको रोका होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोएसिव फोर्स। तो विस्कोसिटी में पहला क्या है, सबसे पहला इफेक्ट जो आ रहा है वो कोएसिव फोर्स का आ रहा है कि जितना कोएसिव लिक्विड होगा उतनी विस्कोसिटी आपकी ज्यादा होगी। जैसे आप ये समझ लो कि शहद है, पानी है, चॉकलेट सिरप है, ऑयल है, पेट्रोल है, पेंट है, टूथपेस्ट है, तो इन सब में आप इन जनरल देखते हो कि सब के सब लिक्विड है, लेकिन सब के सब जो फ्लो करने की टेंडेंसी है सबकी अलग है। जिस फोर्स पे पानी फ्लो करेगा जिस स्पीड से, उस फोर्स से आप चॉकलेट सिरप, हनी, पेंट इन सबको फ्लो नहीं करा पाओ, क्योंकि उनकी कह सकते हो कोएसिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, कोएसिव बॉन्डिंग ज्यादा वहां पे है। तो मतलब कहने का यह है कि कोएसिव फोर्स जो होता है वो किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है और ये एक तरीके से विस्कोसिटी को गवर्न करता है। दूसरा पॉइंट आता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। मतलब मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ठीक है, इस पर कोई फोर्स लगा, फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल है उस पर हमने कोई फोर्स लगाया, तो कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस होगा तो वो एक दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा कहीं ना कहीं। तो मान लेते हैं ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा होगा कि ये मॉलिक्यूल जब डिस्प्लेस होगा यहाँ से तो ये जाके इसमें स्ट्राइक करेगा, मतलब यहाँ से जब इस मॉलिक्यूल को हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये डिस्प्लेस होगा और ये यहाँ जाके मतलब एक तरीके से इसका मोमेंटम ट्रांसफर होता है यहाँ से। जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ था, इस पे दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्स लगाया गया, तो क्या हो रहा होगा, पहले मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ एक तरीके से यहाँ से वहाँ गया होगा तो कुछ मोमेंटम गेन किया होगा और वो मोमेंटम जाके उसने तीसरे वाले पे पहुँचा दिया होगा। ऐसे ही यहाँ पे इसके आगे कोई मॉलिक्यूल होगा तो ये वाला फोर्स क्या कर रहा होगा, इसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई कर रहा होगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे भी किसी फ्लूइड के ऊपर या किसी लिक्विड के ऊपर जैसे हम कोई फोर्स लगाते हैं मतलब फ्लो कराने के लिए, तो एक मॉलिक्यूल अपना पोजीशन चेंज करके दूसरे मॉलिक्यूल के पास पहुंचता है, ठीक है। तो जैसे आप किसी पाइपलाइन में पानी फ्लो करा रहे हो तो जो पंप का प्रेशर होगा, पंप तो नीचे कहीं लगा होगा, जैसे मान लो ये कोई पाइपलाइन आपकी है, ये मान लेते हैं पाइपलाइन है और यहां हमने एक पंप लगा दिया, फॉर एग्जांपल यहां हमने एक पंप लगा दिया है, तो पंप कहां प्रेशर लगा रहा है, पंप का जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पे लग रहा है, ठीक है, तो ये प्रेशर यहां पे लग रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे कहीं वाटर को ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ कोई टैप लगा दिए हैं, तो हमें यहाँ भी एक प्रेशर पी मिलता है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड पंप हो रहा है यहाँ से, तो इसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर इस पंप ने प्रेशर लगाया, वो प्रेशर एक मॉलिक्यूल यहाँ था, इसने क्या किया, दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया, उसने तीसरे को, उसने चौथे को, उसने पाँचवे को, ऐसे ही आगे चलता जा रहा है। इसीलिए इनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी भी होती है, क्योंकि एक कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल अगले मॉलिक्यूल पे, अगला मॉलिक्यूल उसके अगले मॉलिक्यूल के ऊपर अपना मोमेंटम ट्रांसफर करते रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जैसे मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है तो ये भी एक तरीके से विस्कोसिटी में अपना एक इफेक्ट लगाता है। जैसे कहने का मतलब ये है मेरा कि दो चीज़ों से विस्कोसिटी गवर्न होती है, पहला मैंने बताया कोएसिव फोर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी कोएसिव बॉन्डिंग है उसके ऊपर विस्कोसिटी डिफाइन होगी, दूसरा अगर हम कोई फोर्स या कोई प्रेशर लगा रहे हैं किसी फ्लूइड के ऊपर तो वो कितना ज़्यादा कह सकते हो कि उस फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और उससे कितना ज़्यादा वो डिस्प्लेस हो रहा है। मतलब एक फोर्स लगाया गया तो कितना उसने एब्जॉर्ब किया और कितना उसने उस पर डिस्प्लेस किया। अब जितना वो डिस्प्लेस हुआ वो किसकी वजह से हुआ कि एक मॉलिक्यूल अपने प्लेस को चेंज किया होगा, दूसरे के पास पहुंचा होगा, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, ऐसे ये कंटिन्यू रहता है। तो जो वो मॉलिक्यूल का जो ट्रांसफर हो रहा है मतलब एक दूसरे से जा रहा है दूसरा तीसरे पे, तो वो क्या करता है, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। यानी एक मॉलिक्यूल अपना मोमेंटम दूसरे मॉलिक्यूल पे देता है, दूसरा तीसरे पे, ऐसे ये चीज चलती रहती है। तो ये दो फेनोमिना मतलब दो प्रॉपर्टीज हैं जो विस्कोसिटी को गवर्न करती हैं। अब यही डिफाइन करती हैं कि किसमें विस्कोसिटी बढ़ता है टेम्परेचर के हिसाब से और किसमें विस्कोसिटी घटता है टेम्परेचर के हिसाब से। तो देखो जो लिक्विड होता है, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है कि लिक्विड जो होता है उसमें कोहेसिव फोर्स डोमिनेट करता है। मतलब कोई भी लिक्विड होगा, जैसे अगर दो फ्लूइड आप जो पढ़ना है हमें, जैसे अगर हम फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड में दो चीजें आएंगी, एक आपका आएगा कह सकते हो पहला लिक्विड और दूसरा आपका आएगा गैस। तो देखो लिक्विड में क्या होता है, इन दोनों में से कौन सा इफेक्टिव होगा लिक्विड में, आप बताइए। अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड और गैस में अगर हम कोहेसिव फोर्स की बात करते हैं तो किसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, जो आपस की बॉन्डिंग होगी वो लिक्विड में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स काफी क्लोजर पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू गैस। कोई भी गैस ले लोगे उसके मॉलिक्यूल दूर दूर प्लेस्ड होते हैं, तो उसकी कोहेसिव प्रॉपर्टी या कोहेसिव इफेक्ट उतना डोमिनेट नहीं करता जितना किसी लिक्विड का डोमिनेट करता है। तो लिक्विड वाले में हम क्या बता रहे हैं आपको कि यहां पर लिख सकते हो आप कोहेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्सेस प्री डोमिनेट्स द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। मतलब लिक्विड में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स प्रीडोमिनेट यानी पहले डोमिनेट करता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर से। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसे देखो पानी में क्या है, अगर पानी का एग्जांपल लेते हैं तो पानी पे जब आप कोई फोर्स लगाओगे या टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर की बॉइलिंग करनी है तो आपने वाटर को उठा के रखा हीट के ऊपर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो लिक्विड में से क्या होगा, वेपर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो वो वहां पे क्या इफेक्ट ला रहे होंगे कि जो उनका कोहेसिव बॉन्ड है वो पहले ब्रेक करेगा। भाई जैसे पानी में मॉलिक्यूल मूवमेंट कब देगा, ये जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर कब होगा, जब उनकी कोहेसिव बॉन्डिंग ब्रेक होगी। जैसे मान लो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, या चार मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो अभी इसमें मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बॉन्डिंग अभी इसमें जुड़ी हुई है। जब ये कोहेसिव बॉन्ड ब्रेक होगा आपस का, तब जाके इसका मोमेंटम इसके पास, इसका मोमेंटम इसके पास, ऐसे ये ट्रांसफर होना शुरू होगा। तो किसी भी लिक्विड में जैसे वाटर, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल या कोई भी इंजीनियरिंग फ्लूइड की अगर बात करेंगे लिक्विड की जनरली, तो कोहेसिव फोर्स डोमिनेट करता है मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर को। यानी बिना कोहेसिव फोर्सेस के आपका मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता है। तो पहले ये ब्रेक होगा फिर मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है, ठीक है। और ये कंडीशन क्या होती है, जब कोहेसिव फोर्स ब्रेक होगा तो इसकी वजह से क्या होता है, यहां पे एज अ रिजल्ट द viscosity of liquid decreases with an increase in temperature। मतलब temperature बढ़ने की वजह से आपका viscosity जो है किसी भी liquid का हमेशा डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहां से नोट। करो ठीक है। तो लिक्विड के केस में तो ये हो गया, अब आते हैं गैस वाले केस में, ठीक है। गैस में क्या होगा,
कि जैसे ही आप किसी गैस को हीट करना शुरू करते हो, आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा भी होगा पहले कि गर्म हवाएं क्या होती हैं, ऊपर जाके इकट्ठा हो जाती हैं, ये आपने सभी लोग पढ़ा होगा। तो अगर हम इस कमरे में एक आग जला दें तो यहाँ पे जितनी गैसेस हैं वो हीटअप होके ऊपर जाके छत के पास कहीं रूफ पे इकट्ठा हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने हीट देना शुरू किया तो गैस का मॉलिक्यूल यहां से जाके इधर गया होगा। जैसे मान लो यहां पे, मान लो एक यहां पे आप हीट दे रहे हो, ठीक, एक मॉलिक्यूल यहां था, ये एक कंटेनर का एक तरीके से कहते हो टॉप पोर्शन या लिड है इसका, कंटेनर का मतलब ढक्कन जो होता है। अब इस कंटेनर पे हम ऐसे हीट दे रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल गैस का यहां होगा ये हीट देने के बाद यहां जाएगा, तो जितने मॉलिक्यूल यहां सब होंगे ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऊपर जाएंगे सीधे सीधे, क्योंकि ऊपर तो इसके बाद स्पेस है नहीं निकलने का, ये पूरा पैक्ड है, कन्फाइंड है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर जाके इकट्ठा हो जाएंगे। तो अब ये यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इनके पास खुद का एक मोमेंटम होगा कि भाई एक मॉलिक्यूल इस जमीन के पास से ऊपर पहुंचा 10 फीट ऊपर, तो 10 फीट जो ट्रेवल करेगा दूरी उसमें कुछ मोमेंटम गेन करेगा, ठीक है। उसके बाद जब ऊपर पहुंचेगा तो वहां कहीं जाके वो इकट्ठा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि गैसेस के केस में सबसे पहले आपका मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये लाइन, जैसे लिक्विड में क्या था कि पहले कोहेसिव बॉन्ड ब्रेक करेगी फिर मॉलिक्यूल का मोमेंटम ट्रांसफर शुरू होता है, गैसेस में क्या होता है कि पहले मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर शुरू होता है उसके बाद कोहेसिव बॉन्डिंग आती है, ठीक। तो लिक्विड में टूटता है कोहेसिव बॉन्ड तो इसलिए वहां विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। अब यहां हम हीट कर रहे हैं, गैस का मॉलिक्यूल ऊपर जाके इकट्ठा हो रहा है, जब ऊपर इकट्ठा हो रहा है तो कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जा रहे हैं जाकर के, तो जब जुड़ रहे हैं तो नीचे से क्या मोमेंटम लेके जा रहे हैं, ऊपर जाके वो जुड़ जा रहे हैं, तो वहां उनकी कोहेसिव बॉन्डिंग आपकी हो जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि गैसेस में आपका स्टेटमेंट अगर लिखा जाए तो गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर प्री डोमिनेट्स दी कोहेसिव फोर्सेस एज अ रिजल्ट विस्कोसिटी increases with increase in temperature, जिसकी वजह से आपकी viscosity बढ़ जाएगी temperature के साथ, ठीक है। हमने दो point लिखा था, एक में viscosity घटती है liquid में और gas में viscosity बढ़ती है, और ये दोनों प्रॉपर्टी इसकी वजह से, कोहेसिव फोर्सेस और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से। तो ये एक नोट्स है, इसको अगर आप नोट करना चाहो तो पहले कुछ देर के लिए नोट कर लीजिए इसको, मैं कुछ देर के लिए स्क्रीन छोड़ दे रहा हूँ आपके पास, इसको नोट डाउन कर लिए सभी लोग।